माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब भी मुख्यालय में रहते हैं, यहाँ रहते हैं पार्टी कार्यालय में, तो कार्यकर्ताओं की, हम जैसे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की तमाम भीड़ होती रहती है और उनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मिलते जुलते हैं, तो उसी तरह का ये था और कोई विशेष बैठक नहीं थी। उपचुनाव के 10 सीटों के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही, क्या आदेश किए गए? समाजवादी पार्टी तो हमेशा तैयार है, हमेशा ईच एंड एवरी मूवमेंट वी आर रेडी टू फेस एंड टू कंटेस्ट। अखिलेश यादव तरफ से आपको क्या निर्देश दिए गए? कौन निर्देश? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के नीतियों के प्रति, पार्टी के कार्यक्रमों के तरफ हमेशा सतत और सजग रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो कार्य करने के लिए निर्देश क्या हो तो इधर देख के बोलिए, स्वाभाविक है। अवधेश जी, आपकी सीट पर भी उपचुनाव होगा, मिल्कीपुर की बात करी जाए, कैसे देखते हैं, क्या समाजवादी पार्टी की सीट बरकरार रहेगी इस बार? 101% और 101% से भी कोई परसेंट हो तो निकाल लो। अच्छा, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेंगे, वो पूरी मजबूती के साथ वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सारे हमारे नेता और उस क्षेत्र की सभी जात के लोग, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, सबका समर्थन है और समर्थन और सहयोग बरकरार है, बरकरार रहेगा। सीट बरकरार रहेगी, 101% ऐतिहासिक जीत होगी। अयोध्या से सांसद जी, अयोध्या की विधानसभा से, अयोध्या तो अयोध्या तो हम जीते ही हैं, आपकी सीट से। अयोध्या में स्थित है मिल्कीपुर क्षेत्र, अयोध्या जनपद है, उसी में मिल्कीपुर ये सीट है। 101% इट इज श्योर, इट इज श्योर है, श्योर है मे बी। सांसद जी, ये बताइए, जीतने के बाद कुछ बदलाव आया है अयोध्या में? हैं, बदलाव नजर आया जीतने के बाद? ये तो आप बताओ, आप बताइए वहाँ की। ये तो अब ये तो आपकी जिम्मेदारी है, बताओ। कल आपका नाम डिप्टी स्पीकर के लिए बताया जा रहा था, लगातार लोग सदन में रख रहे थे विपक्ष की तरफ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, मुझे इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। आप भी लोगों के द्वारा हम सुनते रहते हैं, अखबारों में छपता रहता है, लेकिन सो फार इज माई लीडर, आज रामदास अठावले जी लखनऊ आए हैं, दलितों के नेता अपने आप को बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? रामदास अठावले जी आज लखनऊ आए हैं, आरपीआई वाले अठावले जी, महाराष्ट्र वाले, पता नहीं भैया, हम तो जानते नहीं। आप नहीं जानते उनको? कोई नेता कैसे जानते हैं, अपने मुँह से कोई कुछ भी कह ले भाई, दलितों के नेता है बता रहे हैं। अब वो ठीक है, दलितों के नेता हो या और कोई नेता हो, तो कुछ कोई नेता अपने कह रहा है तो हमें क्या इतराज है। अच्छा, थैंक यू।